नमस्कार, शाम 7 बजे भारत समाचार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। खबरों के सिलसिले को विस्तार दें, सबसे पहले खबर रैली और रोड शो से जुड़ी हुई। जी हां, बड़ी खबर की बात करेंगे तो दिल्ली से, जहां पर रैली और रोड शो पर बड़ा फैसला। चुनाव में रैली और रोड शो पर पाबंदी जो है वो फिलहाल जारी रहेगी। तो आपको बता दें 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर ये पाबंदी जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों को डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए फिलहाल कहा है साफ तौर पर कि 10 लोग प्रचार कर सकेंगे, और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के लिए दी गई है कि 28 जनवरी से ये छूट लागू होगी। तो लगातार जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, दरअसल कोरोना का किस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके चलते अब ये फैसला लिया गया है। तो लगातार जो अब 5 से 10 लोग अब डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। तो रैली, रोड शो, बड़ी सभाओं पर फिलहाल जो है अभी पाबंदी जो है वो जारी रहेगी। हालांकि पहले 15 तारीख तक थी, फिर 22 तारीख तक, लेकिन अब जिस तरीके के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उनको लेकर के ये फैसला लिया गया। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ गए। अवैस, 28 जनवरी से ये फिलहाल लागू होगा और 1 फरवरी से छूट लागू होगी। चुनाव ने जो फैसला लिया है, क्या कुछ गाइडलाइंस है, किस तरीके से, जानना चाहेंगे लेटेस्ट अपडेट। देखिए, फिलहाल चुनाव आयोग की जो आज बैठक हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि 31 जनवरी तक फिजिकल जो जनसभाएं हो रही थी और उसके ऊपर रोक जो है वो बढ़ा दी गई। यानी अब 31 जनवरी तक किसी भी तरह की कोई रैली और जनसभा जो है वो नहीं होगी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से आज नॉमिनेशन की डेट खत्म होगी फर्स्ट फेज की, उसको देखते हुए एक अहम फैसला लिया गया और थोड़ी सी राहत जो है राजनीतिक पार्टियों को दी गई है। उसमें कहा गया है कि डोर टू डोर कैंपेन के लिए जो 5 लोगों की इजाजत दी गई थी, उसमें अब संख्या जो है वो बढ़ाकर 10 कर दी गई है। यानी अब 10 लोग जो है एक साथ डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और ये आदेश जो है 28 जनवरी के जो छूट है वो 28 जनवरी और एक दूसरे चरण का जो चुनाव शुरू होना है 1 फरवरी के लिए, उसके लिए देखिए साफ तौर पर पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब छूट जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। और उसमें ये कहा गया है कि डोर टू डोर कैंपेन जो होगी उसमें 10 लोग अब शामिल हो सकते हैं। पहले इसके लिए 5 लोगों की ही इजाजत चुनाव आयोग की तरफ से दी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक सभी तरह की जनसभाओं और रैलियों के ऊपर रोक को बरकरार रखा है। जी चलिए ओवेस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पहले 5 लोग थे जो डोर टू डोर संपर्क कर सकते थे, लेकिन अब नई